रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों को इस्तेमाल करने की छूट दे दी है, तो दूसरी तरफ ईरान रूस को लेटेस्ट हथियार की सप्लाई कर रहा है। अभी तक जो रूस कहता था कि उसके पास यूक्रेन से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार है, अब वही रूस ईरान से लेटेस्ट ड्रोन लॉन्च ग्लाइड बम ले रहा है। दरअसल अभी तक यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो रूसी हमलों का जवाब देना तो दूर, अपना बचाव तक नहीं कर पा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर रूस ने यूक्रेन पर जमकर हमले किए। अब यूक्रेन को एक बार फिर अमेरिका से हथियार मिल गए हैं और कई नेटो देश भी यूक्रेन को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। इससे यूक्रेन युद्ध के मैदान में थोड़ा मजबूत हुआ है। ऐसे में रूस के सहयोगी देश भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ओपन सोर्स रिसर्च के अनुसार कहा जा रहा है कि ईरान रूस को ड्रोन लॉन्च ग्लाइड बम की सप्लाई कर रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जाएगा। एक जर्मन मिलिट्री एनालिस्ट ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क में मोहजर 6 ड्रोन के मलबे से जुड़ा लेटेस्ट क्यूम 5 गाइडेड एरियल बम देखा है। रूसी सेनाओं ने निगरानी करने के लिए ईरान निर्मित मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है, लेकिन ये पहली बार है जब क्यूम 5 बम देखा गया है। माना जा रहा है कि ड्रोन यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्र सुमी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उससे पहले ही वो रहस्यमय तरीके से रूसी सीमा पर एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी सोशल मीडिया चैनलों पर जारी एक वीडियो में यूएवी के पंखों से ग्लाइड बम स्पष्ट रूप से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। एनालिस्ट जूलियन रोपके ने कहा कि रूस के लिए ईरानी हथियारों का सपोर्ट एक नए लेवल पर है। हालांकि एक तरफ ईरान रूस को हथियार की सप्लाई भी करता है और दूसरी तरफ वो यूक्रेन पर रूसी हमले के समर्थन से बार बार इनकार भी करता है। आपको बता दें कि ईरान ने शाहिद कामिकेज ड्रोन से लेकर तोप और टैंक के गोला बारूद की रूस को सप्लाई की है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदान की तो उसे इंटरनेशनल रिस्पॉन्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने रूस को हथियार भेजना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि दोनों देशों ने पिछले साल के अंत में एक सौदा किया था जिसकी डिलीवरी जनवरी में शुरू हुई थी, लेकिन अमेरिका को अभी तक किसी भी मिसाइल के सप्लाई की जानकारी नहीं मिली है। माना जा रहा है कि शनिवार को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हाइपर मार्केट में जो रूसी हमला हुआ है, जिसमें ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। जांचकर्ताओं को बाजार से लगभग 80 मीटर की दूरी पर एक बिना फटा हवाई बम मिला था। अगर ये भी फट जाता तो कई और लोग मर जाते।